हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस, वो शुरू करने जा रहे हैं। आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, कितने यूनिट्स हैं, किस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो ये एक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। हर स्टूडेंट का 6 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट नहीं होता। ये एक DSE पेपर है जिसमें बहुत लोगों का अकाउंट्स का DSE होता है, बहुत लोगों का बैंकिंग का DSE होता है और बहुत लोगों का मैनेजमेंट का होता है। जिनका मैनेजमेंट है उनका इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट होगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में उड़ीसा को छोड़कर बाहर में इंटरनेशनल बिजनेस नाम का सब्जेक्ट है और पूरा सिलेबस सेम ही है वहाँ पर भी। तो बाहर से भी अगर कोई बच्चा इस कोर्स को लेना चाहता है तो वो आराम से ले सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस का सिलेबस हर तरफ सेम है। अब ये हमारा आज के क्लास में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिए गए हैं और एक मोबाइल नंबर दिया गया है 7205156733। इस पर व्हाट्सएप करने पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, प्लस इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप बस लिख दीजिए अपने कॉलेज का नाम और उस कॉलेज के अकॉर्डिंग हमारा ओडिशा का हर कॉलेज का अलग अलग ग्रुप है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का बहुत सारा ग्रुप है और कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ का बहुत सारा ग्रुप है और ऐसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। लेकिन ओडिशा की अगर बात करूँ तो कॉलेज वाइज स्पेसिफिक अलग अलग ग्रुप्स हैं। 300 कॉलेजेस अप्रॉक्स ओडिशा में है और सभी का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सारा डिटेल्स शेयर किया जाता है। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करना ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज का ग्रुप को सेंड कर दूँ, ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँ, जिससे तुम उस कॉलेज के ग्रुप को ज्वाइन कर पाओ। अब इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स भी दिए गए हैं, साथ में मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत कुछ हमारा अवेलेबल है, नोट्स, वीडियोस, कंप्लीट सिलेबस सब कुछ अवेलेबल है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारा लिंक बेसिकली तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस इसमें क्या क्या पढ़ेंगे चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस सबसे पहला टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस हम कर सकते हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, इस तरीके का सभी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन एज इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ वो पढ़ेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक बिजनेस में और इंटरनेशनल बिजनेस में, ये दोनों को पढ़ेंगे। फिर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जाएंगे तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हमारे सामने आएगा जिसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, मोड्स ऑफ एंट्री, हम किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हम अगर रियल लाइफ में एक बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हम चाहते हैं वो एक इंटरनेशनल बिजनेस हो, हर कंट्रीज में हमारे ऑफिसेस हो, तो वो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड पार्ट में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट, नेशनल एंड फॉरेन एनवायरमेंट, क्या क्या हमें नेशनल एंड फॉरेन एनवायरमेंट्स एंड देयर कॉम्पोनेंट्स, इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट, कल्चरल कॉम्पोनेंट, पॉलिटिकल कॉम्पोनेंट, लीगल कॉम्पोनेंट्स, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आखिरी में यूनिट 1 में हम इशूज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा। एन ओवरव्यू, क्लासिकल थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कमर्शियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स, डिफरेंस इन इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, टाइप्स ऑफ टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स,
सब्सिडी के बारे में, कोटा के बारे में, एमग्रो इन डिटेल्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एंड इन कॉम्पोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारी कंट्री का मेंटेन किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, ये हम लोग पढ़ेंगे और उसके सभी कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अरेंजमेंट्स में क्या क्या, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिंसिपल्स है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग वो कैसे काम करता है, एन ओवरव्यू ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन UNCTAD, कॉमोडिटी एंड अदर ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स OPEC, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, बेसिकली ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड यूनिट में आएंगे जब हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, फॉर्म्स ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स, इंटीग्रेशन एफर्ट अमोंग इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, जिसमें बहुत सारे हमारे एग्रीमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में अगर आते हैं हम लोग, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट, IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो हमको फॉरेन एक्सचेंज का जरूरत पड़ेगा, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में भी समझना पड़ेगा, एंड रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टाइप्स एंड फ्लोज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4, सर आप टॉपिक का खाली नाम पढ़ रहे हैं, अरे तो मैं अभी अगर पूरा टॉपिक पढ़ाने बैठ जाऊं तो सिलेबस यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस को डिटेल में तो हम पढ़ने वाले हैं ना हमारे कोर्स के अंदर में, तो अभी सिर्फ हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, मतलब यूनिट 4 में फॉरेन ट्रेड प्रमोशनल एंड फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का प्रमोशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर्स, हम किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं, मेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसमें आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट EOU, मेजर्स फॉर प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू एंड फ्रॉम इंडिया, इंडियन जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशंस बोर्ड। सेकंड में आता है फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट टर्म्स, सोर्स ऑफ ट्रेड फाइनेंस, बैंक फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, बैंक एक्सेप्टेंस, कॉर्पोरेट गारंटी एंड फॉर्म्स ऑफ पेमेंट, कैश इन एडवांस, लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, ओपन अकाउंट। बेसिकली ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये वो हैं कि अगर मैं एक फॉरेन ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, करोड़ों का माल सप्लाई कर रहा हूँ मैं किसी फॉरेन कंपनी को, अब क्या गारंटी है वो हमें पैसा देगा। मान लो ऐसा कोई टर्म्स था कि आज हम मटेरियल सप्लाई करेंगे, जिस दिन उसको मटेरियल मिलेगा वो उस दिन पेमेंट करेगा, क्या गारंटी है वो मटेरियल मिल जाने के बाद पेमेंट करेगा, नहीं भी कर सकता है, हम तो डूब जाएंगे, हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, घर प्रॉपर्टी सब नीलाम हो जाएगा, तो हम क्या करें। इस केस में हम बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम फैक्टरिंग करवा सकते हैं, फोरफिटिंग करवा सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस, और ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को भी सेफ कर सकते हैं और सामने वाला पार्टी अपने आप को भी सेफ कर सकता है। तो बेसिकली यूनिट 4 में हम एक फॉरेन ट्रेड में अगर एंटर कर रहे हैं तो उसका फाइनेंसिंग कैसे होगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस होगा, वो सब के बारे में पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 4 के अंदर में। तो मुझे लगता है पूरा सिलेबस तुम्हारे माइंड में जा चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा लिंक है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर मैसेज करो, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर से कर देना। किसी भी प्रकार के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, कोई भी प्रकार का किसी भी कोर्सेस में प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी तकलीफ है तो सिलेबस से रिलेटेड, पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस नंबर पर सॉल्व नहीं किए जा सकते, ठीक है। चलो ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।